और इस साइकिल में डायरेक्ट फ्रेम पर टाइट हो गया है मोटर। देखिए इधर है बैटरी चार्जिंग पॉइंट, ऑन करने का चाबी, इग्निशन को दिखाएगा बैटरी कितना चार्ज है। ये है एलईडी हेडलाइट, स्विच ऑन करने से देने से चाखा घूमेगा। देखिए मोटर घूम रहा है, चाखा घूम रहा है। येलो ऑयल और ब्लैक ऑयल, इसका काम है ब्रेक दबाने से मोटर ऑटो कट होता है। रेड ऑयल और ब्लैक ऑयल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोग को दिखाएंगे इस साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक मोटर की फिटिंग करेंगे, कितना खर्चा आएगा और कैसे फिटिंग करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। इस वीडियो से पहले हमने इस वीडियो में दिखाया था मोटर किट का क्या प्राइस है बैटरी लेके और उसमें क्या क्या मिलता है। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस साइकिल में हम फिटिंग करके दिखाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए चाखा खोल के रखे हैं। तो सबसे पहले ये फ्री को हाफ पर होल्डिंग करना होगा चाखा पर। तो देखिए ऐसे फ्री नहीं घुस रहा है हाफ पर, तो क्या करना होगा, ये जो फ्री का थ्रेड है थ्रेड को थोड़ा सा घस लेना होगा तो हाफ पर घुस जाएगा। तो चलिए इस फ्री का थ्रेड को घस लेते हैं, कैसे घसते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं, इस साइकिल को हम फिटिंग करके चला के आप लोगों को दिखाएंगे। और बहुत सारा साइकिल हमने फिटिंग किया है, ये साइकिल भी फिटिंग किया है। इस साइकिल में इलेक्ट्रिक स्कूटर का पुराना बैटरी लगा हुआ है, इसमें डिटेल्स दिखाया है कैसे कनेक्शन होता है, कैसे मोटर फिटिंग होता है। इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा साइकिल का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इस फ्री को कैसे फिटिंग करेंगे, कैसे घसेंगे दिखा देते हैं। ऐसे करके आप लोगों को घस लेना है फ्री का थ्रेड को, और घसने का टाइम एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा राउंड करके घसिए, नहीं तो एक जगह ज़्यादा घस जाने पर टाल या अप डाउन हो सकता है, तो पूरा राउंड करके घसिए। और आपके पास इलेक्ट्रिक हैंडल नहीं है तो आप लोग राउंड फाइल से भी घस सकते हैं, गोल फाइल से। आप दिखा देते हैं कैसे हाफ पर फिटिंग करेंगे, कैसे आप लोग होल्डिंग करेंगे। तो देखिए हाफ पर ईजिली घुस जा रहा है, थोड़ा सा टाइट रखेंगे आप लोग तो अच्छा होगा, टाल होने का चांस बहुत कम है। अब इस फ्री को होल्डिंग करेंगे, होल्डिंग कहाँ करेंगे, देखिए ये जो नाट है नाट का नीचे रख के फ्री होल्डिंग करेंगे। देखिए ऊपर भी नहीं पूरा नीचे भी नहीं, नाट का थोड़ा नीचे रख के होल्डिंग करना है। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फ्रेम पर लग सकता है, और ज़्यादा नीच पर होल्डिंग करेंगे तो मोटर का पिनियन स्पोक पर लग सकता है। ये हमारा प्रैक्टिकल आइडिया से आप लोगों को बता रहे हैं, हमने जो फेस किया वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए होल्डिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए होल्डिंग कर लिया, ऐसे करके होल्डिंग करने से ही हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान दे के देखना है, ये जो फ्री है कैसे होल्डिंग करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए राइट तरफ फ्री घूम रहा है और बाएं तरफ लॉक हो रहा है, ऐसे करके आप लोगों को होल्डिंग करना है। फिर एक बार बता रहे हैं, दाएं तरफ फ्री घूमेगा फ्री और बाएं तरफ लॉक होगा, ऐसे करके होल्डिंग करना है। तो चलिए अब फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और बैटरी बॉक्स को भी रेडी कर लेते हैं, यहाँ पर बैटरी रहेगा, कंट्रोलर रहेगा, चाबी रहेगा और चार्जिंग पॉइंट रहेगा। और बॉक्स का जो साइज है वो बता देते हैं, लंबा है 14.5 इंच और चौड़ा है 4.2 इंच और हाइट है 4.5 इंच। और एक चीज़ बता देते हैं इस बैटरी बॉक्स के बारे में, इस बैटरी बॉक्स को यहाँ पर काट करना पड़ा, काट इसीलिए करना पड़ा फ्रेम पर, साइकिल का जो फ्रेम है वहाँ पर सही से नहीं बैठ रहा था। दोनों बैटरी दे के कंट्रोलर दे के इसका जो साइज है सेम सेम है, इससे छोटा और कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया इस बॉक्स को यहाँ पर काट दिया, तो साइकिल का फ्रेम पर सही से फिटिंग हो जाएगा। तो बैटरी बॉक्स को साइकिल पर फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। बैटरी बॉक्स को साइकिल पर फिटिंग कर लिया, अब अंदर दिखा देते हैं क्या क्या फिटिंग होगा। तो देखिए इग्निशन चाबी फिटिंग होगा, हमने इग्निशन चाबी को टाइट कर लिया एक बोल्ट दे के यहाँ पर, अब लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इधर चाबी देके ऑन ऑफ करना होगा। अब दिखा देते हैं चार्जर पॉइंट, बैटरी का बॉक्स का जो ढाका होता है इधर लगाया, यहाँ पर बैटरी चार्ज होगा। और एक चीज़ बता देते हैं दोनों तरफ करने का क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो देखिए एक ही तरफ करते हैं तो आप लोगों को भूल करके चाबी अगर चार्जर पर लग जाता है तो शॉर्ट हो सकता है, बैटरी उड़ सकता है, कंट्रोलर खराब हो सकता है, इसीलिए हमने एक तरफ ऑन ऑफ चाबी किया और एक तरफ बैटरी चार्जिंग पॉइंट किया। और एक चीज़ बता देते हैं, ये भी वाइटल चीज़ है। तो देखिए इधर हम कर सकते हैं चाबी या चार्जर, लेकिन इधर भी एक दिक्कत है, साइकिल पर चढ़ने का टाइम यहाँ पर चाबी रहने से चाबी टूट सकता है, चाबी पाँव पर लगता है, और जब बैटरी डाउन हो जाएगा पैडल करके साइकिल चलाएँगे तब भी हाथों पर पाँव पर ये चाबी लगेगा, तो इसीलिए हमने ऑन ऑफ चाबी और चार्जिंग पॉइंट सामने कर दिए हैं।
अब बैटरी फिटिंग कर लेते हैं, कंट्रोलर फिटिंग कर लेते हैं। दो बैटरी फिटिंग कर दिए हैं, कंट्रोलर फिटिंग कर दिए हैं। वीडियो का पहले ही बताया था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेन मेन चीज़ दिखाएंगे, तो इसीलिए हमने कंट्रोलर का कनेक्शन इस वीडियो में नहीं दिखाया है। हमने बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कंट्रोलर का कनेक्शन कैसे होता है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं कंट्रोलर का कनेक्शन कैसे होता है। सिर्फ कंट्रोलर का कनेक्शन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं कंट्रोलर का कनेक्शन कैसे होता है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और देखिए, जितना कंट्रोलर का कनेक्शन होता है सभी कनेक्शन लग जाता है, दो जैक पिन बचा हुआ रहता है। ये व्हाइट जैक पिन, येलो वायर और ब्लैक वायर, इसका काम है ब्रेक दबाने से मोटर ऑटो कट होता है। और ये जैक पिन, ब्लू जैक पिन पर रेड ऑयर और ब्लैक ऑयर, इस जैक पिन का काम है ब्रेक दबाने से पीछे ब्रेक लाइट जलेगा। जो लोग लगाना चाहते हैं यहाँ पर कनेक्शन करने से होगा। और जो लोग मोटर ऑटो कट होना चाहते हैं, ब्रेक दबाने से मोटर ऑटो कट हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर कनेक्शन करने से ही हो जाएगा। हमने एक वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में ये वीडियो जाके देख सकते हैं ब्रेक स्विच से कनेक्शन करके मोटर ऑटो कट कैसे होता है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब बैटरी बॉक्स का ढक्का लगा देते हैं, पैकिंग देके ढक्का लगाइए, नहीं तो बैटरी आवाज आएगा। और ये बॉक्स सिंपल सा सिस्टम किए हैं, नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, हो गया। तो देखिए, आप दिखा देते हैं मोटर, मोटर तो फिटिंग कर लिए हैं। और मोटर का फिटिंग करने का जो प्रोसेस है हमने और बहुत सारा वीडियो में दिखाया था डिटेल्स कैसे फिटिंग करना है। और इस साइकिल में मोटर डायरेक्ट फ्रेम पर फिटिंग हो गया है, कोई एक्स्ट्रा क्लैंप नहीं लगा है, क्योंकि ये छोटा साइकिल है तो इसीलिए डायरेक्ट फ्रेम पर टाइट हो गया है मोटर, एक्स्ट्रा कोई क्लैंप लगाना नहीं पड़ा है। और आप लोगों को बता देते हैं कितना माइलेज देगा। तो देखिए, ये 20 किलोमीटर माइलेज देगा। ये जो बैटरी है एक साइड का बैटरी है, 12 वोल्ट 12 AH का बैटरी है। और ये एक बार फुल चार्ज करने में टाइम लग जाता है अप्रॉक्स टाइम 4 घंटा। आप बताते हैं अगर ऐसा एक साइकिल कराते हैं तो अप्रॉक्स खर्चा कितना आएगा। सभी स्पेयर्स को अच्छा क्वालिटी का देते हैं तो 11,000 खर्चा आ जाएगा। अब लोगों को एक बार ऑन करके देखा देते हैं। तो देखिए, इधर है बैटरी चार्जिंग पॉइंट और इधर है साइकिल ऑन करने का चाबी, इग्निशन चाबी। हमने देखिए ये ऑन कर लिए, उसके बाद देखा देते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाएगा बैटरी कितना चार्ज है। जितना चार्ज रहेगा यहाँ पर उतना लाइट जलेगा। और ये है LED हेडलाइट, स्विच ऑन करने से जलेगा, बंद करने से बंद। और ये है हॉर्न स्विच, और ये एक्सेलेटर देने से चाका घूमेगा। देखिए, मोटर घूम रहा है, चाका घूम रहा है। अब इस साइकिल को चला के आप लोग को दिखाते हैं। और इसी तरह आप लोग नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेक्निकल हेल्प एम के चैनल को। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।